बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपको शाहजहाँ सिस्टर किचन कॉर्नर में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आज आपके लिए लाई हूँ व्हाइट चने की पुलाव। मैं आज आपको व्हाइट चने की पुलाव की रेसिपी बताऊँगी और बताऊँगी इसमें आपको क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। हाफ के जी मैंने चने लिए हैं जिन्हें मैंने एक घंटा पहले भिगो दिया था और मैंने इनको बॉयल कर लिया है। एक अदद मैंने प्याज लिया है। 1 kg मैंने चावल लिए हैं और ये एक जग मैंने ये चनों का पानी लिया है। ये डलेगा, चावलों के अंदर शामिल होगा। आधी चम्मची मैंने सौंफ लिया जिसे मैंने पीस लिया। 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 चम्मच मैंने साबुत गर्म मसाला लिया है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। आधी चम्मची मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। थोड़ा सा ये मैंने येलो कलर लिया है। आधी चम्मची मैंने ये चिकन पाउडर लिया है। 2 से 3 अदद मैंने ये कड़ी पत्ते लिए हैं। 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है और थोड़ा सा ये मैंने साबुत धनिया। ये मैंने 1 कटोरी ऑयल लिया है। आप अपने हसब ज़रूरत भी ले सकते हैं। अब ये तेल गर्म हो गया तो मैं इसमें प्याज ब्राउन करूँगी। इसमें प्याज शामिल करूँगी। तेल गर्म हो गया, इसमें प्याज ब्राउन करूँगी। अब ये थोड़े से हमारे प्याज फ्राई होना शुरू हो गए तो फिर मैं इसमें गर्म मसाला डाल के फ्राई करूँगी। मैं इसमें गर्म मसाला डालूँगी। प्याज और गरम मसाला साथ साथ फ्राई करना। जब हल्के पिंक कलर के प्याज हो जाएंगे फिर इसमें हम आगे का मसाला ऐड करें। अब इसे आपने 5 मिनट अच्छे से फ्राई करना है ताकि प्याज ना बहुत ज़्यादा लाल हो और ना बहुत वाइट से रहे, इनका कलर पिंक कलर का हो। इसमें कड़ी पत्ता डालूँ। लाइट ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसमें आगे का इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। पानी डालेंगे। मैं इसमें नमक डालूंगी। मैंने 1 चम्मच लिया था। सौंफ डालूंगी जो मैंने आधी चम्मची दी थी, मैंने पेस्ट किया था। साबुत धनिया जो मैंने पीसा हुआ तो डालूंगी। कुटी हुई लाल मिर्ची डालूंगी। हरी मिर्च डालूंगी। टमाटर डालूंगी। इसमें ये मैंने जो चिकन पाउडर लिया था ये डालूंगी। अब मैं इसे अच्छे से फ्राई करूंगी। जब अच्छे से भूनूंगी इसे 10 मिनट अच्छे से भूनूंगी, फिर उसके बाद आगे की मैं रेसिपी आपको बताऊँगा। डाला है जायके के लिए। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसमें किनोर क्यूब भी डाल सकते हैं। अब मैं ये देखिए अच्छे से मसाला भून गया है। अब मैं इसके अंदर चने डाल के 5 मिनट भूनूंगी। चने आपने ज़्यादा गलाने नहीं है, इसमें 2 कनियाँ आपने रखनी है ताकि ये चावलों में बिल्कुल सही हो जाए। अगर आप ज़्यादा गला देंगी चने तो फिर ये चने चावलों में बिल्कुल घुल जाएंगे, तो आपने चने खड़े खड़े रखने हैं, ज़्यादा गलाने नहीं। चने अच्छे से भुन गए हैं, मसाला भी अच्छे से भुन गया। अब मैं इसमें वो पानी डालूंगी जो मैंने चनों का पानी था जो चने उबाले थे मैंने, जो पानी उसका पानी डाल दूंगी इसके अंदर। अब मैं इस ये जब तक जिस पानी में मैंने चने उबाले थे वो पानी मैंने अब इसमें डाल दिया है। अभी ये जब बॉयल आएगा फिर इसमें मैं आगे की रेसिपी आपको बताऊंगी। पानी अच्छे से बॉयल हो गया है, अब मैं इसमें चावल डालूंगी। नाज़रीन अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। जब चावल तैयार हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊँ। मेरे तैयारी पे आ गए हैं। अब मैं इसको दम ला मैं इसमें येलो कलर ऐड करूँगी और इसे दम पे लगा दूँगी तवे के ऊपर, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी इसको। नाज़रीन ये देखें मेरी वाइट चना पुलाव बिल्कुल तैयार है।
अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। पुलाव बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने घर में भी ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसे पुदीने की चटनी के साथ खाएंगे तो ये और भी टेस्टी लगेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई वीडियो आपको मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।